मीन्स मैं यहाँ आई रही थी इवेंट में जब मुझे ये न्यूज़ मिला है, और मैं सच्ची में आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ. आई फील लाइक मेरे हाथ, मतलब माय बॉडी इज़ पैरालाइज, ऐसा फील हो रहा था. अजीब, मुझे मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि सच हो सकता है, क्योंकि अ मैन ऑफ 40 ईयर्स ओल्ड, इतना हेल्थ फ्रीक, इतना एक्सरसाइज करते थे, वो हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया. मतलब बिलीव ही नहीं होता है. तो लगता है कि डेस्टिनी को तुम कभी फाइट ही नहीं कर सकते. इफ इट इज रिटन देयर, नो मैटर वॉट एवर हाउ हेल्थ कॉन्शियस यू आर, इट विल टेक यू, मीन्स टेक यू अवे. और बहुत बुरा लग रहा है. आज इज द डे ऑफ मॉर्निंग एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग वेरी बैड. एंड क्या बोलूँ, मुझे तो और कुछ नहीं पता. एक महीने पहले मैंने उसको मिले, बिकॉज हम दोनों के हेयर स्टाइलिस्ट सेम है, तो एक महीने पहले मैं उससे मिली हूँ. और इतना हमने मजाक किया. और मैं आज नहीं, मैं 4-5 साल से जानती हूँ, क्योंकि वही पार्लर में मिलती रहती थी हमेशा. ही बहुत स्वीट लड़का था. इवन बिग बॉस के बाद उसको फेम मिलना शुरू हुआ था, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी. और फिर सडनली ऐसे हो गया, मतलब बहुत बुरा लग रहा है. और उनकी मम्मी जी भी है, और उनको कितना बुरा लग रहा होगा. उनके फैमिली के लिए मेरा हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस. और ये बोल सकती हूँ और ये बोल सकती हूँ, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल. लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. जो है आज ज़िंदगी जी लो.